ये सुरक्षा यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं है। काम बढ़िया करेगा वही आएगा हमारे हिसाब से, तो वही आना चाहिए। तो लोग कुछ भी जाते हैं फिर बाद में कौन ध्यान देता है, हमारे समस्त व्यापारीगण सुरक्षित हों। इस वक्त हम नोएडा के सबसे पुराने अट्टा मार्केट में हैं। आप देख सकते हैं ये एक बाजार है, नोएडा के बड़े बड़े मार्केट से बिल्कुल अलग सबसे पुराना मार्केट है ये। इस सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे है, इसके उस तरफ सेक्टर 18 मार्केट जो नया बसा है, और ये मार्केट जो है ये नोएडा की जान कहा जाता है। नोएडा को बसाने में इस मार्केट का सबसे बड़ा रोल है। हमारे साथ डॉक्टर झा है जो यहाँ के मार्केट एसोसिएशन के 33 साल से प्रेजेंट हैं। साहब, इलेक्शन आने वाले हैं, 11 तारीख को वोट करने जाएंगे आप लोग, क्या सोच के जाएंगे इस मार्केट के लिए, क्या खास होगा इस इलेक्शन में? व्यापारियों को सबसे अधिक सुरक्षा पर ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, इसलिए हम लोग चाहेंगे हमारे समस्त व्यापारीगण सुरक्षित हों, बाज़ार में जो भी ग्राहक आता है वो निर्बाध रूप से और सुरक्षित रूप में घूमें, और ये हमारी विश्वास है कि प्रधानमंत्री जो वर्तमान समय में हैं वो व्यापारियों के हित में और जनता के हित में बहुत अच्छा कर्तव्य कर रहे हैं। अतः हम लोग अभी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयासरत हैं। सर, आप जो बता रहे हैं कि सुरक्षा के लिए यहाँ पर सीसीटीवी वगैरह लगने वाले थे, लग गए क्या? क्या हुआ है उसके अभी तक, क्या हुआ है? नहीं, अभी तक सुरक्षा ए नाम पर केवल फाइल में लिखा पढ़ी चलता है, हुआ कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं ये सारे भीड़ है और सुरक्षित रूप से रेडी पटरी लगे हुए हैं, ऑन है या है इसकी आइडेंटिटी नहीं है। बहुत बार इसलिए हमने शिकायत या हम सबने, अगर लगाना है तो इसको प्रमाण पत्र दिया जाए, अगर चोरी हो जाती है या कुछ हो जाता है तो हम लोग उसको पकड़ सकते हैं कौन था नहीं था। ये सुरक्षा के नाम पर अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन प्रयासरत हैं हमारे विधायक और एमपी वगैरह। इस विषय में सरकार क्या सोचती है? सरकारें आती हैं जाती हैं, कहता कोई कुछ है, करता कोई कुछ और है। अच्छा, अब क्या कहें, कह के तो लोग कुछ भी जाते हैं फिर बाद में कौन ध्यान देता है? रोजगार यहाँ बहुत है लोगों को, बहुत सारी नौकरियाँ, रोजगार तो काफ़ी है, आसमान तक सब पूरा चल ही रहा, सभी लोग हैं यहाँ पे। आप बताइए साहब, आपका शुभ नाम? रमेश। रमेश जी, हाँ। ये बताइए कि यहाँ पर आप कब से हैं अट्टा मार्केट में? हम तो 35 साल से। 35 साल से? आपने तो नोएडा को पूरा बनते हुए देखा होगा। हाँ, पूरा बिल्कुल जंगल था कभी। तो सर, ये मार्केट सबसे पुराना नोएडा में? हाँ, सारी पुरानी मार्केटें हैं। अच्छा, तो सर क्या उम्मीद है इस बार सरकार से, आप लोग को इतना पुराना मार्केट में आप लोग चला रहे हैं? आपके सामने कंपटीशन भी खुला था सेक्टर 18, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बिजनेस इसी मार्केट से। हाँ, इसी मार्केट में ही है, खुशहाल मार्केट है, बढ़िया मार्केट है ये, अच्छी मार्केट। नोटबंदी से इस मार्केट पर फर्क पड़ा था सर? कोई फर्क नहीं पड़ा जी नोटबंदी से, यहाँ कोई फर्क नहीं, ना सब काम ठीक चल रहा है। अच्छा, क्या है सर इस बार चुनाव में, क्या है जो यहाँ के दुकानदार काम बढ़िया करेगा वही आएगा हमारे हिसाब से, तो वही आना चाहिए। अभी के हिसाब से यहाँ के जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो ठीक काम कर रहे हैं? हाँ, अभी फिलहाल ठीक चल रहे हैं, डॉक्टर महेश शर्मा जी अपना ठीक है। अच्छा, वही है काम लायक, उनके काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल। मार्केट के लोग भी उसके काम से बिल्कुल संतुष्ट हैं। क्या मांगे हैं इस बार आपकी चुनाव में सरकार से? सरकार से वही है कि भाई अपना ये जो अपना होना चाहिए, जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, और ये अपना जो ये चोरी चकारी है वो रुकती रहे, अपना पुलिस प्रशासन वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम ठीक है। जो आप लोगों की उम्मीद थी वो अभी तक वो चीज़ें अभी पूरी नहीं हो पाई है, थोड़ा टाइम वो तो चलता रहेगा, ऐसे ही चलेगा, वो तो होता रहता है, पूरा भी हो जाता है, अभी चलता भी रहता है, कोई 100% तो पूरा होता नहीं कभी भी, लेकिन फिर भी आप जनप्रतिनिधि से संतुष्ट? हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। तो ये अट्टा का हाल है, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। आप हैं, आप यहाँ काम करते हैं? कब से काम कर रहे हैं आप? 3 महीने से। क्या यहाँ मार्केट में कितने लोग काम करते होंगे लगभग? यहाँ पे बहुत हजारों लोग काम करते होंगे। हजारों लोग को रोजगार मिलता है यहाँ पे? यस। क्या उम्मीद है आपको सरकार से, और लोगों को रोजगार मिलेगा यहाँ पर, कैसे होगा काम? हाँ मिलना चाहिए, मिल भी सकता है, और काम जैसे अब अपने ऊपर है, जैसे रोजगार होगा उस हिसाब से काम बढ़ेगा, उस हिसाब से रोजगार मिलेगा, काम बढ़े और रोजगार मिले, और जो रेहड़ी पटरी है उसकी आइडेंटिफिकेशन कम से कम हो। ये यहाँ पर अट्टा जो नोएडा का सबसे पुराना मार्केट है, यहाँ के लोगों का कहना है, दुकानदार फिलहाल जनप्रतिनिधि से संतुष्ट हैं।